देश में शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के ठेकेदारों द्वारा लगातार अपनी सीमाओं को लांघा जा रहा है। ऐसा ही एक वाक्या मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के नाबालिग खेड़ी गांव में देखने को मिला, जहां की रहने वाली दलित नाबालिका 16 वर्षीय स्कूली छात्रा लक्ष्मी बेवाड़ा को गाँव के दबंगों ने स्कूल जाने से रोक दिया और लड़की के परिवार वालों के साथ मारपीट की। दरअसल लक्ष्मी मेवाड़ा रोज गांव से बाहर स्कूल जाती थी। इसी बात से नाराज गांव के दबंगों के द्वारा लक्ष्मी मेवाड़ा को स्कूल जाने से रोका गया। दबंगों के द्वारा लक्ष्मी मेवाड़ा को रोका धमकाया गया कि गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तू भी नहीं जाए। इस पर लड़की के भाई ने विरोध किया तो दबंगों ने लड़की के भाई सहित पूरे परिवार के साथ मारपीट की। वही मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में छात्रा के पिता सहित 6 परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका शासकीय अस्पताल शाजापुर में इलाज चल रहा है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।